कांग्रेस सांसद अधीर रंजन के बयान पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए कहा, राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च पद है, राष्ट्रपति किसी दल के नहीं होते, राष्ट्रपति पूरे देश के होते हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने जिस निकृष्ट मानसिकता व घटियापन का परिचय दिया है वह अक्षम्य है। उन्होंने भारत के राष्ट्रपति का अपमान किया है। देश इस कृत्य के लिए अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगा। कांग्रेस की मानसिकता ही आदिवासी विरोधी, महिला विरोधी और घटिया है। राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च पद है और राष्ट्रपति किसी दल के नहीं होते, राष्ट्रपति पूरे देश के होते हैं। लेकिन कांग्रेस ने, उनके नेता अधीर रंजन चौधरी ने जिस निकृष्ट मानसिकता का परिचय दिया है, घटियापन का परिचय दिया है, वो अक्षम्य है। उन्होंने राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति का अपमान किया है। एक महिला राष्ट्रपति है जो आदिवासी समाज से आती है, ये सर्वोच्च पद पर बैठी हुई एक बहन का अपमान है, अकेले उनका अपमान नहीं है, ये नारी शक्ति का अपमान है। और केवल नारी शक्ति का अपमान नहीं है, ये हमारे जनजाति आदिवासी भाई और बहनों का भी अपमान है। देश कभी माफ नहीं करेगा। तो कांग्रेस की मानसिकता ही घटिया है, आदिवासी विरोधी, महिला विरोधी। मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी से पूछना चाहता हूं, क्या वह अधीर रंजन चौधरी जी के बयान से सहमत है? क्या राष्ट्रपति के पद पर बैठी हुई एक ऐसी हस्ती जिनका सारा देश सम्मान करती है, उनको इन शब्दों से संबोधित किया जाना चाहिए? सोनिया गांधी जवाब दे, और इस कृत्य के लिए अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस को देश कभी माफ नहीं करेगा।